नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का बुलेटिन। लद्दाख गतिरोध पर भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक, दोनों देशों के बीच कॉर्प कमांडर स्तर की वार्ता। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास बैठक, पैंगोंग त्सो पर भारतीय सेना का विशेष फोकस। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, कोरोना वायरस से मरने वालों का नहीं थम रहा सिलसिला। दुनिया भर में संक्रमित मरीजों की संख्या 68 लाख के पार, 3,98,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, कोरोना मरीजों की संख्या 2,36,000 के पार, जबकि मरने वालों की संख्या हुई 6,642। अब तक 1,14,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण में हो रही है तेजी, खान मार्केट में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मुख्यालय में कोरोना के 5 पॉजिटिव केस मिले, अब इमारत को सैनिटाइज करने के लिए सील कर दिया है। कोरोना के चलते राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने लिया फैसला, जुलाई में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत हुई स्थगित, 2020 में होगी अब 12 सितंबर और 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत। भारत में आयुर्वेद की दवाओं का कोरोना के पॉजिटिव मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू, जयपुर में किया जा रहा कोरोना के मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं का परीक्षण, रामगंज में 12,000 लोगों पर आयुर्वेद की इम्यूनिटी दवा की टेस्टिंग भी शुरू, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना के लिए बनाई 4 दवाएं। एमएसएमईज को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी सरकार, 13,500 करोड़ के लोन को मिली मंजूरी, सेक्टर के करीब 1.5 लाख एमएसएमई और व्यवसायियों को लोन दिए जा चुके हैं। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, शनिवार को 44 नए कोरोना पॉजिटिव आए सामने, राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 10,128, तो अब तक 219 मरीजों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के मंदिरों में नहीं बजेंगे घंटे, मस्जिदों में नहीं होगा वजू, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन, कंटेनमेंट एरिया में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल आगामी आदेश तक रहेंगे बंद। उत्तराखंड में भी चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा बद्रीनाथ मंदिर प्रशासन, होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मंदिर और आसपास के स्थलों को लगातार किया जा रहा सैनिटाइज। हज यात्रा रद्द करने वाले तीर्थयात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड, कोरोना संक्रमण के चलते रद्द की गई यात्रा के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने लिया फैसला, यात्रा को रद्द करने के लिए तीर्थयात्रियों को भरना होगा फॉर्म। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर वेद मारवा का निधन, गोवा के मापुसा अस्पताल में 87 वर्ष की उम्र में निधन, मणिपुर झारखंड और मिजोरम के भी राज्यपाल रहे। सरकार की नीतियों से नाराज ट्रेड यूनियन, 3 जुलाई को 10 ट्रेड यूनियन करेंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, श्रम नीतियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर करेंगे यूनियन। रंग भेद का विरोध कर रहे सेलेब्स पर अभय देओल ने दूसरी बार कसा तंज, अभय देओल ने कहा कि आप फेयरनेस क्रीम को सपोर्ट करना बंद करेंगे, उन्होंने सेलिब्रिटीज द्वारा किए जाने वाले फेयरनेस क्रीम एडवर्टीजमेंट पर भी उठाए सवाल। मलाइका ने शेयर की बेटे अरहान की बचपन की तस्वीर, कजन निर्वाण के साथ खड़े नजर आ रहे हैं अरहान, मलाइका ने लिखा तुम बहुत खूंखार लग रहे हो। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम का गेंदबाजी स्तर को लेकर दावा, कहा इंडियन प्रीमियर लीग की तुलना में पाकिस्तान सुपर लीग का गेंदबाजी स्तर बेहतर, ऐसा मैं नहीं ऐसा दोनों देशों के टी20 लीग में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने अब तक 78 चार्जशीट की दाखिल, दोनों पक्षों के 410 लोग हुए गिरफ्तार, दोनों समुदाय के 205 लोगों को किया जा चुका गिरफ्तार। थप्पड़ कांड में सोनाली फोगाट के खिलाफ केस दर्ज, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों से तलब की रिपोर्ट, सोनाली फोगाट के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला हुआ दर्ज। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में गर्मी से राहत, हवा और हल्की बूंदाबांदी से तापमान में आई गिरावट, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही रहने की संभावना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धर्मगुरुओं से किया संवाद, प्रदेश के सभी जिलों के धर्मगुरुओं से किया संवाद, धार्मिक स्थल खोलने को लेकर की चर्चा। गाजियाबाद के वैशाली को सील करने पर विधायक सुनील शर्मा ने उठाए सवाल, फैसले का विरोध करते हुए डीएम को लिखा खत, खत में लिखा जिन जगहों पर कोरोना के मरीज मिले हैं सिर्फ उन्हीं गलियों को किया जाए सील। साप्ताहिक सब्जी मंडी में दबंगई दिखाना, दरोगा को पड़ा महंगा, एसएसपी ने किया सस्पेंड, प्रयागराज के घुरपुर थाने में तैनात दरोगा ने अपनी गाड़ी से कुचली थी सब्जियां, किसानों से दरोगा ने इसके लिए मांगी माफी, 11 किसानों के नुकसान की भरपाई की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश।
बाड़मेर के चौहटन में टिड्डी अटैक से उड़ाई प्रशासन और किसानों की नींद। कृषि विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न गांवों का किया दौरा, किसानों को राहत का दिया आश्वासन। अजमेर के नसीराबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, डिग्गी सौंदर्यकरण उद्घाटन समारोह में नहीं हुआ सामाजिक दूरी का पालन, छावनी प्रशासन ने कराया था कार्यक्रम। सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने मनरेगा कार्यों का किया निरीक्षण, अव्यवस्थाओं के कारण अधिकारियों को नोटिस भेजने के निर्देश। खेतड़ी के गोठड़ा गांव में गिरी मकान की छत, हादसे में दो महिलाएं हुई घायल, एक महिला को जिला अस्पताल किया रेफर। झुंझुनू की पचेरी कलां पुलिस ने गंगाराम हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट में किया पेश, कोर्ट ने आरोपी को भेजा 3 दिन के पुलिस रिमांड पर, आरोपी ने जमीनी विवाद और पुरानी रंजिश के कारण दिया था वारदात को अंजाम। खाटू श्यामजी के 3 युवकों ने बनाई सैनिटाइजर मशीन, 4,000 रुपए की लागत से तैयार की मशीन, सीएससी प्रभारी को भेंट की मशीन। भरतपुर के कामा में हो रही जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना, बाजारों में गुट बनाकर बैठने लगे आमजन, तो मुख्य बाजार में दुकानदारों के बीच हुई कहासुनी। राजस्थान में 22 से 28 जून तक गुणवत्ता नियंत्रण सप्ताह का होगा आयोजन, सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से होगा आयोजित, डिप्टी सीएम सचिन पायलट वीसी के जरिए करेंगे शुभारंभ। अलवर की क्रिसोरा सोसाइटी में बुजुर्ग ने पत्नी की गला रेतकर की हत्या, मर्डर के बाद खुद का भी काटा गला, इलाज के दौरान हुई मौत, मामले की जांच में जुटे पुलिस। शिवजयनगर के बाजूवाला चौक के पास दर्दनाक हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। राजसमंद में सेलागुड़ा गांव के पास नील गाय को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई कार, हादसे में कार सवार 5 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती विवाहिता ने तोड़ा दम, नागौर के भवाल गांव की निवासी थी विवाहिता, अज्ञात कारणों के चलते खाया था विषाक्त पदार्थ, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायसिंह नगर में अवैध हथकर शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, विभाग की टीम ने छोटा लालपुरा और खिचिया गांव में की कार्रवाई, एक आरोपी को गिरफ्तार कर 3,000 लीटर लाहन कराया नष्ट। झुंझुनू में बीज की दुकान पर गाइडलाइन के मुताबिक हो रही बिक्री, सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा रहा पालन। झुंझुनू के खेतड़ी में शराब के ठेकों पर फायरिंग, नहीं थम रहा सिलसिला, आए दिन बदमाश शराब के ठेकों पर फायरिंग की वारदातों को दे रहे अंजाम, मानोता रोड पर भी मामला आया सामने, बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर शराब के ठेके में लगाई आग। झुंझुनू के चिड़ावा में एनसीसी कैडेट्स ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, एनसीसी कैडेट्स को राज्य स्तरीय स्थायी नियुक्ति देने और साथ ही राशि देने की मांग। टोंक के देवली में एवन टीवी की खबर का असर, बजरी माफियाओं और पुलिस की मिलीभगत को किया उजागर, एसपी आदर्श सिद्धू ने पुलिसकर्मी को किया लाइन हाजिर। झुंझुनू जिला कलेक्टर के आदेश का नहीं दिखा असर, चिड़ावा में नहीं खुले आधार कार्ड सेंटर, एक आधार सेंटर पर लगी लंबी कतार। धौलपुर में ढोंड का पूरा गांव में सरपंच के बेटे ने पिस्टल से गोली मारकर की आत्महत्या, गृह कलेश के कारण की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भरतपुर के कामा में चोरों ने सुलभ कॉम्प्लेक्स को बनाया निशाना, लाखों रुपए के 3 एयर कंडीशनर लेकर हुए फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में नशे में धुत पति ने मामले विवाद में पत्नी की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को किया गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल खून लगी कुल्हाड़ी भी बरामद। केरल के बाद हिमाचल प्रदेश में हैवानियत की हद पार, बिलासपुर में गर्भवती गाय को खिलाया विस्फोट, धमाके के बाद गंभीर रूप से जख्मी हुई, पुलिस कर रही मामले की छानबीन, गाय के मालिक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया घटना का वीडियो। हिसार के आजाद नगर में मोबाइल पर गेम खेलने से टोकना पड़ा भारी, 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर दी जान, युवक फोन पर गेम खेलने का हो गया था आदि। शर्जिल इमाम के मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की स्टेट्स रिपोर्ट, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से जांच के लिए मांगा कुछ और वक्त, शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी को भी कोर्ट ने कर दिया था खारिज। यूपी के मिर्जापुर में बारिश के कारण ढहा मकान का छज्जा, हादसे में 3 की मौत, 4 घायल, 3 घायलों को ट्रॉमा सेंटर किया रेफर। यूपी के प्रतापगढ़ स्थित गोविंदपुर गांव में धरने पर बैठी महिलाएं, कैबिनेट मंत्री मोती सिंह पर लगाया अपराधियों के संरक्षण का आरोप। अजमेर के नसीराबाद में एटीएम वैन बनी परेशानियों का सबब, वैन के सामने लगा रहता है लंबा जाम, बंदूकधारी गार्ड ने भी की थी आमजन से बदसलूकी।
उत्तर प्रदेश के सैफई के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार। यूपी के सहारनपुर जिले में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर समरजीत सिंह समेत दो की मौत। कार में दो बच्चों सहित छह लोग सवार थे। यूपी के देवरिया में प्रेम में अंधे प्रेमी और प्रेमिका ने ट्रेन से कटकर दी जान। युवक खाबमार थाने का रहने वाला था। युवती की नहीं हुई पहचान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर की जांच शुरू। ई गवर्नेंस ने अलंकित लिमिटेड के साथ खत्म की साझेदारी। पैन का आवेदन शुल्क नहीं भेजने पर खत्म की साझेदारी। पैन कार्ड बनाने स्रोत पर कर कटौती और संग्रह ई विवरण जैसे काम करती है अलंकित लिमिटेड। करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर ने सामाजिक सरोकार के साथ मनाया जन्मदिन। सरकारी स्कूल में किया पौधारोपण। भगवान को भोग लगाकर श्रमिकों में वितरित किया प्रसाद। भीलवाड़ा के बिजौलिया में बेजुबान पक्षियों के लिए बांधे परिंडे। जनविचार संस्था और एयू बैंक की ओर से सरकारी कार्यालयों में बांधे गए परिंडे। सवाई माधोपुर के बौली में होम्योपैथिक दवा का वितरण। आयुष मंत्रालय के निर्देश पर होम्योपैथिक डॉक्टर संगीता रमन ने किया वितरण। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर है होम्योपैथिक दवा। घरियावद के किराना व्यापार संघ ने गर्भवती हत्नी की निर्मम हत्या को लेकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग। उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर के बयाना में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। बिना मास्क लगाकर दुकान पर सामान बेच रहे दुकानदार तो वहीं पुलिस प्रशासन बरत रहा सख्ती। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। तीन फरार। भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त। भरतपुर के रूपवास में चाइनीज उत्पादों की जलाई होली। स्वदेशी जागरण मंच ने चाइनीज सामान का बहिष्कार करने का किया आह्वान। व्यापारियों को किया जागरूक। और इसी के साथ A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।